हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं डिटेल के अंदर अध्याय 6 कक्षा 10 विज्ञान के लिए जैव परकरम। ठीक है, तो डीओई के जो बच्चे हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं, उनको वर्कशीट्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उन्हीं वर्कशीट के अंदर उनको कुछ टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो उन डिस्कस करने हैं। तो उसी के साथ हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। और ये जो है, इनमें से आपको पूरे अपने जो भी क्वेश्चन हैं ना, जितनी भी वर्कशीट्स हैं आपकी जैव परकरम वाली, उनके आंसर आपको इस नोट्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैव परकरम होता क्या है। तो वे सभी परकरम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उन्हें जैव परकरम कहा जाता है। जी, वो सभी परकरम, वो सभी प्रोसेसेस, वो सभी क्रियाएं जो जीव के अनुरक्षण का, यानी कि जीव के अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, उसको बढ़ने फूलने में सहायता करती हैं। ठीक है, उसको शक्ति प्रदान करती हैं, उसकी रोजमर्रा की जो कार्य होते हैं वो करती है शरीर के अंदर के। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो ऊर्जा चाहिए होती है, हम चलते हैं तो ऊर्जा चाहिए होती है, तो उसके लिए जो भी काम होते हैं उनको बोलते हैं जैव परकरम। ठीक है, कितनी तरह का होता है देखो, इसके अंदर क्या क्या आता है। पहला आता है पोषण, जिसको न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिसके वो क्या कहाँ से आएगा, जब हम खाना खाएंगे तो हमारे शरीर को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। उसके बाद में श्वसन, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जब अंदर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है वहन, वहन आपका जो खाया हुआ खाना है वो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, वहन होता है उसका, खून का वहन होता है आपकी पूरे शरीर के अंदर। उसके बाद में उत्सर्जन, यानी कि सारे जब खाना जो आपने खाया उसमें से सारे पौष्टिक तत्व निकालने के बाद में जो व्यर्थ पदार्थ बच जाते हैं उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पोषण। भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, पोषण कहलाता है। खाना खाना, उसमें से जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको लेना, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शरीर के अंदर सोख लेना और उनके द्वारा शरीर के अनुरक्षण के काम करना, ठीक है, उसको हम पोषण कहते हैं। पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं अपना पोषण करना, जो स्वयं अपने पोषी होते हैं उनको बोला जाता है स्वपोषी। जैसे कि हरे पौधे जो क्या करते हैं, सरल अजैव CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अपना पोषण खुद नहीं कर सकते, वो किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे मानव और अन्य जीव। ठीक है, उसके बाद है स्वपोषी। स्वपोषी को देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषियों के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ सारे हरे पौधों और कुछ जीवाणुओं के अंदर होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह परक्रम है जिसमें विषमपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। बाहर से जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हरे पौधों ने ली, पानी लिया जड़ों से, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, और वहाँ से क्या बनाती है, एक तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं, एक ऑक्सीजन और एक H2O यानी कि पानी। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री हमें चाहिए होती है, तो पहला होता है सूर्य का प्रकाश, फिर आएगी क्लोरोफिल, फिर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में आएगा जल। तो सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल है वो अवशोषित करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है, जो पत्तों के अंदर आपकी रंध्रें होती है, स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, जल, जल कहाँ से आता है, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषण करते हैं, मतलब जल को मिट्टी में से सोख लेते हैं अपनी जड़ों से। ठीक है, अब घटनाएं क्या क्या होती हैं, क्लोरोफिल जो है वो सूर्य से जो ऊर्जा है वो सोख लेता है, ये सूरज है अगर आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये जो उसका लीफ है, किसी भी पौधे का पत्ता है, इसके अंदर क्या होंगे, रंध्र होती है, स्टोमेटा जिसको बोलते हो, वो क्या करेगी, यहाँ से सूरज की रोशनी को सोख लेगी। ठीक है, अब इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर दिया जाता है, तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया जाता है। H2O होता है ना जल, तो इसको H और O में तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये तीन प्रोसेस जो है वो होते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब देखो कि हमने बोला कि रंध्र होती है, तो रंध्र क्या होती है, देखो हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये करते क्या है, प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है,
वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा बाहर निकलता है। आपने देखा होगा ना, जब सुबह सुबह पौधों को देखते हो तो वहां पे क्या होता है, ओस आई होती है, तो वो ओस की जो बूंदे होती है वो रंध्र में से बाहर निकलती है। ये आपको चित्र दिया हुआ है रंध्र का, ठीक है। इसमें ये द्वार कोशिका दी हुई है, रंध्र का छिद्र दिया हुआ है, यहां से जो है CO2 जो है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट विषम पोषी पोषण, यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। तो विषम पोषी पोषण जो है वो तीन तरह का होता है, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, देखो इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो एक ठोस खाना जो हम खाते हैं उसके बाद में क्या होते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स के अंदर, और शरीर में जाके हमारा भोजन जो है वो पचता है। जैसे हम खाते हैं ना, रोटी खाते हैं तो सॉलिड होती है ना, ठोस होती है, उसको खाते हैं, चबाते हैं, फिर अंदर जाती है, फिर वो पचती है। उसके बाद में है अमीबा और मानव, आपको उदाहरण दिए। उसके बाद है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण यानी कि जो जीव मृतकों के मृत जीवों के ऊपर से अपना भोजन निकालते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि निम्नीकरणीय कौन से होते हैं, जो अपघटित हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो वो गलते सड़ते कैसे, क्योंकि उनके ऊपर छोटे छोटे जो कीटाणु और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीड करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व गले सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। पर जीवी क्या होते हैं, पराय जीव के ऊपर रहने वाले, यानी कि वो जीव जो किसी और के शरीर पर रह के अपना भरण पोषण करते हैं उनको बोलते हैं परजीवी, ठीक है। और इस तरह के पोषण को क्या बोला जाता है, परजीवी पोषण। और ये क्या होती है, जैसे जू आपने देखा होगा, अमर बेल आपने देखी होगी, जिस भी पेड़ के ऊपर चढ़ती है ना उसका सारा पोषण सोख लेती है और उसको नष्ट कर देती है। और जू जो होती है, जो एनिमल्स और जो जानवर और मानव है उनके बालों के अंदर जो जू होती है वो भी एक पैरासाइट ही है, एक परजीवी है, ठीक है। उसके बाद में है अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण कैसा है वो देखो, अमीबा क्या करता है, ऐसे नहीं है कि अमीबा के मुंह होते हैं और खाना खाने के लिए वो मुंह को खोलेगा, नहीं, अमीबा जिधर से उसको खाना दिखता ना उधर ही अपना मुंह बना लेता है। तो ये देखो यहाँ से इसको खाना दिखा, ये इधर इसने मुंह बनाया, खाना अंदर लेके गया और अंदर लेके जाने के बाद में ये इसको खा गया और इसके बाद में इसको जो है इसका पाचन भी हो गया, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। ये पादप जो इसका बना है, कूटपाद या पादप जिसको कहते हैं, उसकी जगह घेर लेगा। खाद्य रितिका में जाता है, खाद्य रितिकता जो है वो जटिल पदार्थ का विघटन करती है सरल पदार्थों में, ये खाद्य रितिकता, ठीक है, फूड वैक्यूल जिसको कहा जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका स्तय की ओर गति करता है, बचा हुआ जो है जो पच नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको पाचित नहीं कर चुकी है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, कोशिका की स्तय की ऊपर जाता है और शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में है पैरामीशियम। अब अमीबा तो कहा है जिधर भी उसको फूड दिखेगा ना उधर अपना वो मुंह बना लेते हैं और उसको खा जाता है, पर अमीबा क्या करता है, सॉरी पैरामीशियम क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक जगह से ऐसे ना ऐसा सा होता है, तो इसकी एक जगह होती है जहाँ से ये भोजन को अंदर लेके जाता है, ठीक है। तो पक्षयाप कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, एक विशिष्ट मतलब एक पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। उसके बाद में है मानव का पोषण, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। आज के लिए इतना ही, बने रहिए नई वीडियोस के साथ 9th 10th क्लास की साइंस के लिए और मैथ्स के लिए, हम नई वीडियोस जो है उनको डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे आपकी वर्कशीट्स आती रहेगी या जैसा जैसा NCERT का सिलेबस है।